गाइस मैं हूं अमित। गाइस जब भी हम हमारे कपड़ों को वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, और अगर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ज़्यादा डाल दिया तो मम्मी डांटने लग जाती है कि इतना ज़्यादा क्यों डाला है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इस तरीके का होता है ना। तो गाइस हमने सोचा कि आज इस एक्सपेरिमेंट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जा करके टेस्ट करेंगे, यानी कि जो कपड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, लेकिन साथ में इतना 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 नहीं बल्कि डालेंगे बहुत सारा डिटर्जेंट जो कि है यहाँ पर। और दोस्तों ये है पूरा 10 किलो डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि मशीन के अंदर पानी होगा, कपड़े होंगे और होगा 10 केजी डिटर्जेंट पाउडर, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और हम जो है एक नॉर्मल कपड़े को धुलने में भाई लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो हम क्या करेंगे इस मशीन को इससे 10 गुना चलाएंगे, यानी कि 20 × 10 तो हो गया 200 मिनट चलाएंगे, यानी कि लगभग 10 वॉशिंग के बाद में जो कपड़े हैं उनकी क्या हालत रहेगी। और यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर के जो कपड़े भी लिए हैं, ये जो ब्लू कलर की टी शर्ट है, यहाँ पर हमारे पास में एक दूसरा कलर है, एक हमारे पास में थोड़ा सा रेड या मैजेंटा टाइप में भी है, और एक ग्रीन कलर का यहाँ पर लोअर भी है, और सभी का कलर एकदम बढ़िया है, ये जो हैं ऑलमोस्ट सारे नए ही हैं, तो इसलिए अगर इनका कलर जाएगा तो हमको पता चलेगा या कपड़े ख़राब हो जाएंगे या कुछ नहीं होगा, आई डोंट नो क्या होगा, आप लोग बताओ आपके हिसाब से क्या होगा नीचे कमेंट्स में, और फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई जब तक वॉशिंग मशीन में पानी भरता है तब तक हम जो है डिटर्जेंट को यहाँ पर निकाल लेते हैं, और हमारे पास में है 10 पैकेट सर्फ एक्सेल के, ठीक है, और इसमें हो गई 10 किलो, एक एक किलो के पैकेट्स हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस डिटर्जेंट को पहले हम इस कंटेनर में निकाल लेते हैं। और यार गाइस ये तो एक से इतना भर गया, मुझे लगता है कि ये छोटा पड़ेगा हमारा बर्तन। और भाई मुझे नहीं लगता यार अब इसमें इससे ज़्यादा आएगा, देखो पूरा जो हमारी तगारी है ये डिटर्जेंट से भर चुकी है, और यार हवा बहुत तेज चलने लग गई, अरे यार ये इतनी सारी डिटर्जेंट है क्या होगा इससे, और अभी तो 3 पैकेट्स हमारे पास में बचे हुए भी हैं। चलो भाई क्या कर सकते हैं, पानी जो है अभी वो भर रहा है, उसके बाद में इसको इसमें डालेंगे। तो भाई पानी भर चुका, और देखो यार डिटर्जेंट, और ये तो 7 किलो ही है, 3 किलो तो रखा हुआ ही है, तो अब इसको डालते हैं, और भाई साहब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कपड़े तो 4 ही हैं लेकिन डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा है। चलो तो गाइज ये गया, और यार ओ शिट इसका लेवल ही ऊपर आ गया गाइज, अबे पानी ही ऊपर आ गया, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे झाग आ चुके, लेकिन अभी हमको और पैकेट डालने हैं। ये गया 8वां पैकेट, तो भाई ये गया इसमें पूरा का पूरा 10 किलो डिटर्जेंट पाउडर, और अब जो है मशीन को मैं कर रहा हूँ चालू, और देखते हैं कि क्या होता है। ये करी मैंने मशीन चालू, अबे यार ये जो है कुछ ऐसे घूम रहा है जैसे कि देखो जैसे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई गाड़ी सी चीज़ मिला दी हो। ओ तेरी गाइस पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा, अबे यार पानी नहीं है भाई अबे यार ये किस तरीके से, अबे यार हमारा गोप्रो गया, ओ शिट अबे खराब हो जाएगा, कहाँ है मेरा, अबे यार कैमरा गिर गया भाई, पकड़ो इसको कर दो, अबे यार यहाँ लगा रखा था गाइस हमने कैमरा अंदर के सीन के लिए, लेकिन वो नीचे चला गया। तो भाई अब इसमें डालते हैं कपड़े और देखते हैं क्या होता है। ये गया ग्रीन, ब्लू, लाइट ब्लू एंड रेड, और अब करते हैं मशीन को चालू। दोस्तों मशीन की आवाज़ से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मशीन को काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है, और हो सकता है ये ज़्यादा गाढ़ा सा हो गया, इसकी वजह से मशीन को ज़्यादा जो है एफर्ट मारना पड़ रहा होगा मोटर को। तो भाई अब हम लोग जो है कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको चलाते रहेंगे 200 मिनट चलाएंगे। अभी ये जो है 15 मिनट में मैंने स्टार्ट किया था, 15 मिनट चलेगा, फिर दोबारा से 15 करके 200 मिनट चलाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कपड़ों का क्या हाल हुआ है। तो भाई सोचा था हमने 3 घंटे का या 3.25 घंटे का, लेकिन भाई हो चुका है पूरा दिन, क्योंकि हम जो है एक्सट्रीम टेस्ट करना चाह रहे थे। अभी शाम हो चुकी है, उस टाइम सुबह के 11 बजे थे, अभी शाम के 6:30 बज रखे हैं, और अब जो है दिन छिपने वाला था, हमने सोचा कि चलो अब तो जो है निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, अभी भी मशीन चल रही है, कंटिन्यूसली हमने चलाई है, देख सकते हो आप लोग अभी भी जो है ये घूम रहा है गोल गोल। और गाइस एक बार इसकी हालत मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा, ये देखो गाइस, और जो पानी है ना गाइज वो घूम घूम के गर्म हो गया है इसके अंदर, वास्तव में पानी जो है काफ़ी गर्म है,
जैसे मैंने हाथ दिया उसके बाद मुझे पता लगा। और देखो ये वैसा ही है, बस उस टाइम कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे, अभी कुछ सॉलिड तो नहीं है। तो अब मशीन को करते हैं बंद। मशीन हो गई है बंद, अब ये देखना है कपड़ों क्या हुआ। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इसको करूँगा ड्रेन, इसमें आएगा पानी। ये देखो, ये देखो, ओहो गाइस, ओह शिट, ये पूरा का पूरा डिटर्जेंट से भरा हुआ है। 10 किलो डिटर्जेंट था इसमें और वो निकल रहा है फिलहाल। एक बात तो है, हमारी जो फर्श है वो ज़रूर साफ हो जाएगी, और कुछ होना हो। और गाइस यार ये मेरे कट्स में यार जलन कर रहा है, जो हाथ में छोटे मोटे कट है ना, तो इसको निकल जाने देते हैं। और अभी भी है यार इसमें, और देखो झाग किस तरीके से बने हुए, देखो इसमें बड़े झाग तो बने ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट था। तो ये रहे भाई सब कपड़े हैं। इसका कलर ऐसा ही था क्या, या मुझे कुछ अलग लग रहा है, गीला होके लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से इन कपड़ों को धोते हैं, ऐसे तो कुछ हिसाब नहीं बन रहा। इसको पहले तो मैं एक बार थोड़ा सा ड्रायर में डाल लेता हूँ ताकि ज़्यादातर जो साबुन है वो पहली बार में निकल जाए, और उसके बाद में इसको पानी में डालेंगे और फिर से ड्रायर में डाल देंगे। तो भाई अब मैं इनको डाल रहा हूँ वापस से इसके अंदर ताकि हम इनको पानी में धो सके और फिर से डालेंगे ड्रायर के अंदर। ठीक है, ड्रेन को ऑफ कर देते हैं। भाई साहब अब अगर अभी भी इसमें झाग आए तो मैं जो है और कुछ नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि हम लोग हो चुके हैं परेशान। अबे यार इसको धोए जा रहे हैं भाई, उसमें धोए जा रहे हैं, इसमें धोए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये देखो जैसे ही इसमें डालते हैं इसमें फिर से उतने ही झाग आ जाते हैं। झाग आना बंद ही नहीं हो रहे, हम बार बार पानी में धो रहे हैं, फिर ड्रायर में डाल रहे हैं ताकि सब कुछ निकल जाए, फिर वापस से पानी में डाल रहे हैं, फिर उतने ही झाग आ रहे हैं। देखो अभी एकदम साफ पानी था और अब फिर से वही हाल हो गया भाई। इसके बाद भाई एक बार भी नहीं डालूंगा मैं इसको ड्रायर में, ये लास्ट है बस। सोचो यार इतनी बार डाल चुके पर इसमें से साबुन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, परेशान हो चुके, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। वीडियो क्वालिटी भी गाइस यार अब थोड़ी गिर रही होगी, पर आप उसकी टेंशन मत लेना, एक बार ट्राई और कर रहे हैं अभी। ना इसमें से झाग ख़त्म हो रहे हैं ना इन कपड़ों में झाग खत्म हो रहे हैं, पूरी मशीन में भी झाग भरे हुए हैं, चाहे कितना ही इसको वॉश कर लो कितना ही धो लो झाग नहीं हट रहे हैं। चलो अब गाइस देखो आपके सामने मैंने फिर से इनको पानी में डाल के ड्रायर में डाला, और अब देखना इधर एकदम साफ पानी है, ये पूरा भरा हुआ है, और इसको मैं डालूँगा इसके अंदर। और ये देखो, ये देखो गाइस फिर से वही हाल हो जाता है गाइस, बिल्कुल वही हाल हो जाता है। ये देखो 4-5 बार मैंने डुबाया और फिर से जो पूरा पानी है वो साबुन का हो गया। तो भाई अब मेरी तो और हिम्मत नहीं है आज कुछ भी करने की, इनको पानी में डाल देंगे और कल देखेंगे इनको। ठीक है, तो जब हम 10 किलो डिटर्जेंट में धोते हैं कपड़े तो गाइस आपके कपड़ों में से जो डिटर्जेंट है वो निकलेगा ही नहीं, कपड़ों का क्या हाल होगा ये तो क्या बताएं, डिटर्जेंट निकलेगा ही नहीं, मतलब फंसा ही रह जाएगा उसमें, कितना भी धोते रहो बार 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 कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, कपड़े ख़राब होंगे वो तो अलग है लेकिन आप परेशान ज़्यादा हो जाओगे उससे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं क्या बोलूँ जितना डिटर्जेंट डालना चाहिए उतना ही डालना, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने दिल से कपड़े धोए बार बार, वो सही नहीं हो रहे वो। तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।